उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के गांव सुजुड़ से पुलिस ने अवैध रूप से एक घर में गौवंश काट रहे युवक आरिफ को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दो अन्य साथी फरार हो गए हैं, जिनके कब्जे से पशु काटने का हथियार और गौवंश बरामद किया गया है। सीओ सिटी हरीश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चौकशों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। काफी समय से सूचना मिल रही थी, कुछ लोग अपने घरों में गौकशी कर रहे हैं। सूचना पर एक घर से गौमांस और कटान के उपकरण बरामद हुए हैं। एक आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके दो अन्य साथी भागने में कामयाब रहे हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से संवाददाता दीपक वत्स की रिपोर्ट। लगातार कार्रवाई चल रही है। दो लोग भागने में सफल हो गए, किसी गिरफ्तारी भी नहीं।